स्टार्ट करते हैं आज डायमेंशनल एनालिसिस। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, पहले मैं आपको एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा दे रहा हूं जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनके लिए, एंड देन वील प्रोसीड विद द टुडेज टॉपिक। 5-10 मिनट्स पुराना देखिए। मैंने बताया था देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, एक होती है आपकी दो फिजिकल क्वांटिटीज कई तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, एक आपकी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको आप बेसिक क्वांटिटी मानते हो। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनती है, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड। जैसे लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ और टाइम के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बना? स्पीड। वो क्या हो जाएगा? डिराइव्ड। तो फंडामेंटल कौन सी क्वांटिटी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच इज अ बेसिक क्वांटिटी विच कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। और डिराइव्ड कौन सी? विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस। नाउ इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इन मैकेनिक्स यू हैव 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। मैकेनिक्स में हम 3 फंडामेंटल्स लेते हैं। पहली कौन सा? लेंथ। दूसरा कौन सा? मास। और तीसरा कौन सा? टाइम। ये 3 फंडामेंटल्स होते हैं मैकेनिक्स में। हर क्वांटिटी जो मैकेनिक्स में बनेगी वो इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी, इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। तो डायमेंशन किसको बोलते हैं? ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिनोट करते हैं। मास, लेंथ और टाइम, पावर ए बी सी। तो किसी भी क्वांटिटी में कितना कंटेंट मास का है, मतलब कितना पावर मास का है। जैसे किलोग्राम का स्क्वायर है तो 2 यूनिट्स ऑफ मास होंगे, लेंथ का क्यूब है तो 3 यूनिट्स ऑफ लेंथ होंगे, टाइम की पावर 5 है तो 5 यूनिट्स ऑफ टाइम होगा। सो मास, लेंथ, टाइम का कॉम्बिनेशन, इसको अगर ऐसे लिख देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हमने लास्ट टाइम जो किए थे, डिस्टेंस। डिस्टेंस के पास सिर्फ एक लेंथ होती है, मास नहीं होता, टाइम नहीं होता। तो इसको डायमेंशन में हम कैसे लिखते हैं? m0 देयर इज नो मास, l1 देयर इज 1 लेंथ, t0 देयर इज नो टाइम। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट, देयर इज ओनली 1 लेंथ, m0 l1 t0। इन एरिया देयर आर 2 लेंथ्स, लेंथ इनटू ब्रेथ कर लो या फिर लेंथ का स्क्वायर कर लो या पाई आर स्क्वायर कर लो, हमेशा 2 लेंथ होंगी, हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर होगा। तो इसके डायमेंशन हो गए m0 l2 t0, देयर आर 2 लेंथ्स इन दिस। वॉल्यूम, देयर आर 3 लेंथ्स इन दिस, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो l3 m0 l3 t0। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हुआ m1 l0 t0 और वॉल्यूम हुआ m0 l3 t0। कंबाइन करते कैसे हैं? मल्टीप्लाई होता है तो बेस सेम पावर क्या हो जाती है? ऐड। डिवाइड होता है, बेस सेम पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। m1 माइनस 0, 0 माइनस 3 l का, 0 माइनस 0 t का, तो m1 l माइनस 3 t0। ये किसका हो गया? डेंसिटी के डायमेंशंस। वेलोसिटी, ये होता है लेंथ अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो न्यूमरेटर में आया लेंथ, डिनोमिनेटर में आया टाइम, कंबाइन करो L1 T-1, बेस सेम पावर को क्या कर दिया हमने? सब्ट्रैक्ट। इसके अलावा फिजिकल क्वांटिटीज और कौन कौन सी होती हैं? जैसे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, सबकी सब एक्सेलरेशन है, सबकी डायमेंशन सेम होंगी। सिमिलर क्वांटिटीज जितनी भी हैं उन सब की डायमेंशंस क्या होती थी? सेम। तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की डायमेंशंस m0 l1 t-1, टाइम की m0 l0 t1। ये बात समझ में आती है? स्पेसिफिकली वो बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, वेलोसिटी का देखो इधर निकाला था पिछले पेज पे, m0 l1 t-1 और टाइम का t1, दोनों को डिवाइड करोगे, अब बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2। इसी तरह मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या हो गया? m1 l0 t0। वेलोसिटी का क्या हो गया? m0 l1 t-1। कंबाइन करो, बेस सेम पावर ऐड कर दो, मास इसके मोमेंटम के डायमेंशंस आ गए। फोर्स, फोर्स बोलो, टेंशन बोलो, फ्रिक्शन फोर्स बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो, एक्स फोर्स बोलो, वाई फोर्स बोलो, है तो फोर्स, सबके डायमेंशन सेम होंगे। क्या क्या डायमेंशन होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हो गया m1 l0 t0, एक्सेलरेशन क्या होता है? ऊपर निकाला m0 l1 t-2, m0 l1 t-2, मल्टीप्लाई करो, कंबाइन करो, आपके पास बन गया। इससे आप यूनिट भी निकाल सकते हो किसी भी डायमेंशन से। जैसे यहां m1 l1 t-1,
तो मास का एक, लेंथ का एक, टाइम का माइनस वन, मतलब इसके यूनिट्स होंगे एसआई यूनिट्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसके यूनिट्स क्या होंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से वर्क, वर्क क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायमेंशन ये आपने निकाले, डिस्प्लेसमेंट के होते हैं एम जीरो एल वन टी जीरो, बेस सेम पावर एड करो एम वन एल टू टी माइनस टू। फोर्स को एसआई यूनिट हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, क्या नाम है इसका जूल, ये एसआई यूनिट होता है। इसी तरह से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है सीजीएस यूनिट, इसका नाम होता है अर्ग्स, ई आर जी एस। फोर्स में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है न्यूटन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है डाइन्स, ये स्पेशल नाम है जो आप देते हो इन यूनिट्स को। तो बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं, आज और भी करेंगे थोड़े से। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है वर्क, आप किसी बॉडी पे वर्क करते हो तब उस पे एनर्जी आती है, ये धरती माता पे बॉडी है, मैं इसको उछालूंगा तभी इसमें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, तो मैंने जो वर्क किया वो इसमें किस फॉर्म में स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। सो एनर्जी हमेशा कब आती है जब वर्क होता है, सो एनर्जी और वर्क एक ही बात है, सेम यूनिट्स। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सबके डायमेंशन सेम। तो सिमिलर क्वांटिटीज जो होंगी उन सबके डायमेंशन हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के निकाले थे पीछे, एरिया के निकाले थे, दोनों को डिवाइड करो प्रेशर के आ गए। सिमिलरली दो और किए थे कल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक स्पेशल क्वांटिटी है, ये होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों डेंसिटीज को डिवाइड करो डायमेंशंस आ गए, नो डायमेंशंस नो यूनिट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ऊपर भी वेलोसिटी नीचे भी वेलोसिटी, ऊपर नीचे डायमेंशन कट गए, आंसर आया एम जीरो एल जीरो टी जीरो। यहां तक सबको क्लियर है, एक बार ओवरव्यू समझ में आ गया, बेसिक समझ में आया बिटिया, बेसिक समझ में आया, और कौन कौन था जिसकी फर्स्ट क्लास कौन है, आपको ओवरव्यू समझ में आया, अब हम डिटेल में थोड़ी और बातें करते हैं। ध्यान दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी, इसके कुछ फॉर्मूलास, इसकी डायमेंशंस, फिर आते हैं यूनिट्स। ध्यान देंगे बेटा सब लोग, कुछ नई टर्म्स के बारे में आज आप जानोगे, जिस टर्म के बारे में आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा उन टर्म्स की बात करेंगे। सबसे पहली टर्म आज की, आज की सबसे पहली टर्म, 17 से शुरू करते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझो पहले बेटा, आज डायमेंशन आप निकालोगे, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा, आज डायमेंशन आप निकालने की कोशिश करोगे, पहले 7-8 के फॉर्मूलाज लिखूंगा मैं, फिर आप करना। सामने देखो बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जब भी आपको वर्ड सुनाई दे जाए ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज विद लेंथ, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। दोबारा मैंने क्या बोला, ग्रेडियंट का किसी भी चीज के आगे, नाम के आगे ग्रेडियंट लगाओ, चेंज इन दैट विद डिस्टेंस। इसी तरह से प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। अभी आप करेंगे कंप्लीट। इसके अलावा रेट ऑफ फ्लो, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड। पाइप है, पाइप में से पानी निकल रहा है स्लो स्लो, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड कम होगा, पुछार तेज आ रही है तो वॉल्यूम पर सेकेंड ज्यादा होगा, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो होता है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम,
20 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नाम चेंज है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है एंगल थीटा इन रेडियंस, ये कितना हो जाता है एल बाय आर आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जिन्होंने मैथ्स में किया है ये सर्कल, ये दो पॉइंट्स सेंटर, ये आर्क लेंथ होती है और ये रेडियस होता है, जो एंगल निकलता है वो किस में मेजर होता है, रेडियंस में, और वो एंगल क्या कहलाता है फिजिक्स में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब वो जनरल आपने एंगल पढ़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब हम मोशन में बात करेंगे। मोशन में बात करने का मतलब एक बॉडी ऐसे सर्कुलर पाथ में गोल घूम रही है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चली गई, तो जो एंगल वो सेंटर पे सबटेंड करती है उसको हम क्या नाम देते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, मोटा डब्ल्यू, पतला डब्ल्यू ऐसा होता है ना, मोटा डब्ल्यू, ओमेगा बोलते हैं इसको। ये क्या हो जाता है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसके अलावा लास्ट, फिर उसके बाद दो एक्स्ट्रा वो मैं करूंगा और वो इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन में, वो पेपर में एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ सो एंड सो। एंगुलर वेलोसिटी के बाद है एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये मैंने कुछ 6 लिखे हैं, आप इनको लिख के एक बार इनकी कोशिश करो डायमेंशन निकालने की, पुराने डाटा से हेल्प लो, 6 को कोशिश करो, फिर मैं करूंगा 6 के 6, 5 मिनट है तुम्हारे पास, बताता हूं, लिख लो पहले। देखिए जरा चेक कीजिए आंसर्स जो कर चुके हैं। फर्स्ट वाला जो हमने देखा वो क्या है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी के डायमेंशन एम जीरो एल वन टी माइनस वन अपॉन लेंथ, लेंथ का एम जीरो एल वन टी जीरो, कट पिट के कितना आया एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, इसके हो गए सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। क्लियर, समझ में आया बेटे? ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर के डायमेंशन लास्ट लास्ट में ये रहे, प्रेशर के कितने निकाले थे एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितना है एम जीरो एल वन टी जीरो, कंबाइन करो एम वन एल माइनस टू टी माइनस टू, यूनिट्स क्या हो जाएंगे केजी, मीटर की पावर माइनस टू, सेकेंड की पावर माइनस टू, या फिर पास्कल पर मीटर। ये कहां से आया, प्रेशर के क्या होते हैं पास्कल और नीचे लेंथ के कितने हो गए मीटर, तो पास्कल पर मीटर। तीसरा रेट ऑफ फ्लो यानी वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम का क्या होता है एम जीरो एल थ्री टी जीरो अपॉन टाइम एम जीरो L0 T-1, कंबाइन करो M0 L3 T1, ओ सॉरी नीचे टाइम था ना T1 था, तो ऊपर आ जाएगा M0 L3 T-1, ये आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड। चौथे पे आ जाओ, एंगल इन रेडियंस, ये होता है आर्क अपॉन लेंथ, ये जो भी एंगल होता है सेंटर पे इसको हम एक नए यूनिट्स में बात करते हैं रेडियंस, रेडियंस किस में आता है एसआई की कैटेगरी में, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होते हैं सेवन फंडामेंटल्स एंड टू सप्लीमेंट्री, सेवन फंडामेंटल्स एंड टू सप्लीमेंट्री, सेवन फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं, लेंथ मास टाइम करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी मोल और एम्पियर, करंट हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन, ये सात होते हैं फंडामेंटल और दो सप्लीमेंट्री कौन कौन से रेडियन और स्टेरेडियन। ठीक है, सो वो ये वो वाला रेडियन है, थीटा क्या होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क किस में
लेंथ अपॉन रेडियस, ऊपर भी लेंथ हो गया, रेडियस भी लेंथ होता है, रेडियस भी लेंथ होता है, तो ओवरऑल कितना बनेगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। डायमेंशन नहीं है पर इसका यूनिट है, यूनिट है रेडियंस, सप्लीमेंट्री यूनिट, इसका यूनिट है, हाँ जी, सप्लीमेंट्री, ये स्पेसिफिक केस है, ठीक है। इसी तरह से इधर आओ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट क्योंकि डायमेंशनलेस क्यों बोला, क्योंकि सातों फंडामेंटल में से कुछ नहीं है, बट एक सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री कौन सा, इसमें रेडियंस। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल के क्या है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, नीचे टाइम के हो गए एम जीरो एल वन, सॉरी एम जीरो एल जीरो टी वन, कितना आया एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। अब इसके यूनिट्स बताओ क्या होंगे, सेकेंड इनवर्स होगा, पर एक सप्लीमेंट्री चल रहा है रेडियन, एंगल है ना ऊपर, एंगल का कौन सा यूनिट होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, तो इसका यूनिट होगा रेडियंस पर सेकेंड, इसके होंगे रेडियन पर सेकेंड, तो ये स्पेसिफिक केस है, ठीक। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो ओमेगा, ओमेगा के कितने निकाले अभी आपने, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन डिवाइडेड बाय टाइम एम जीरो एल जीरो टी वन, कंबाइन कर दो कितना आया एम जीरो एल जीरो टी माइनस टू, इसके यूनिट्स क्या हो गए, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर बेटा, ऑनलाइन क्लियर बेटे, ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा, कनिका समायरा आर्यन आप सबको समझ में आया बेटा, ये थे कुछ बेसिक्स। ऐसा भी होगा मैं हर क्लास में दो चार नए बताता जाऊंगा, मैंने पहले भी बोला था हर क्लास में मैं कुछ नए दूंगा, आज ये मैंने कुछ नए दिए, दो और करा रहा हूं फिर अब एप्लीकेशन पे आ जाऊंगा, दो और जो करा रहा हूं ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन की फॉर्म में भी एग्जाम में आ जाते हैं। कौन से, एक है लिखेंगे नहीं समझेंगे, समझा के मैं साइड हो जाऊंगा फिर आप आराम से लिख लेना, एक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कौन सा होता है, कैपिटल जी। पहले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, इसमें तो कोई शक नहीं, ये इसका फॉर्मूला होता है जी गधा एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। तो यानी कि अगर मैं कैपिटल जी सोचूं तो वो हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू, मानते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, मुझे इसके डायमेंशन निकालने हैं, कैपिटल जी के डायमेंशंस क्या होंगे, फोर्स के डायमेंशंस, रेडियस के स्क्वायर के मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के, और नीचे दोनों मासेस के डायमेंशंस। करो फॉर्मूले से ऐसे ही निकालते हो ना, फोर्स के क्या डायमेंशन निकाले थे चेक करो, एम वन एल वन टी माइनस टू, यही निकाले थे फोर्स के। आर का स्क्वायर, आर क्या है, लेंथ, उसका स्क्वायर मतलब एम जीरो एल टू टी जीरो डिवाइडेड बाय दो मासेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एम टू एल जीरो टी जीरो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो बेस सेम पावर एड एम वन एल थ्री टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एम टू एल जीरो टी जीरो, कंबाइन करो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये आ गए डायमेंशंस। लिखने का टाइम मिलेगा बेटा, दो मिनट रुक जाओ समझ लो, पहले ये हो गया कैपिटल जी के डायमेंशंस एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ये पेपर में एज अ स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, तो आपको ये स्टेप शो करने पड़ेंगे, ये एज अ वन मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है। इसके यूनिट्स, इसके जो यूनिट्स होंगे वो हो जाएंगे केजी इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये दूसरा वाला कहां से आया, यहां से,
फोर्स का कॉमन नेम क्या होता है यूनिट का, न्यूटन, लेंथ का मीटर, उसका स्क्वायर, नीचे 2 किलोग्राम है तो पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, अगला जो टर्म है उसका नाम है, ये कभी नहीं सुना आपने, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी वर्ड सुना हुआ है? पानी की, फ्लूइड की जो फ्रिक्शन होती है, फ्लूइड जब मूव करता है तो, या फिर हवा, एयर, फ्लूइड इज एनीथिंग विच कैन फ्लो, बह सके भावनाओं के अलावा, वो फ्लूइड है। जैसे गैस हो गया वो भी फ्लूइड है, लिक्विड हो गया वो भी फ्लूइड है, सो एनीथिंग विच कैन फ्लो इज अ फ्लूइड। तो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। इसका कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे ईटा, एन की पूंछ, एन को लंबा खींच दो पीछे से, इसको बोलते हैं ईटा। ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू ईटा ए वी बाय लेंथ। इसमें कौन सी टर्म कौन सी है, एफ है फोर्स, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए है एरिया, वी है वेलोसिटी और एल है लेंथ। तो अब अगर आपको मैं फॉर्मूला बता दूं तो अब आप ईटा के डायमेंशन निकाल सकते हो। ईटा कितना हो गया, ईटा हो गया एफ एल अपॉन ए वी। अब डायमेंशन निकालना फुद्दू सा काम, फोर्स के क्या हो गए, एम वन एल वन टी माइनस टू, लेंथ के एम जीरो एल वन टी जीरो, एरिया के एम जीरो एल टू टी जीरो, वेलोसिटी के एम जीरो एल वन टी माइनस वन लिख सकते हो। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो कितना आया, एम वन एल टू टी माइनस टू, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो एम जीरो एल थ्री टी माइनस वन, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट एम वन एल माइनस वन टी माइनस वन। ये इसके डायमेंशंस हो गए। इसके यूनिट पता है क्या होते हैं, केजी, मीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स तो मेन नाम हो गया, इसका स्पेशल नाम होता है डेकापॉइज। इसका नाम है डेकापॉइज। ये पढ़े, बड़े होके पढ़ोगे, मतलब 4 महीने बाद 6 महीने बाद, थोड़े तो बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे इसको। इसको बोलते हैं डेकापॉइज। इसका एक और नाम होता है पॉइजुली, जान के लिख रहा स्पेलिंग सोचने ढूंढने पड़ेंगे, गंदे से स्पेलिंग है। दूसरा सीजीएस, इसका होता है ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, इसका नाम है पॉइज। इसको बोलते हैं पॉइज। तो ये याद कर, ये यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायमेंशन की पड़ेगी, डायमेंशन की। पहले बताओ कैपिटल जी वाला तो सबको समझ में आ गया ना, क्योंकि वो फॉर्मूला तुम्हारा जाना पहचाना था। अगर मैं कोई भी फॉर्मूला दे दू तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो ना। पॉइंट इज आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सो आपका टारगेट क्या है, अगर आप क्वेश्चन तमीज से करना चाहते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए जितने मैक्सिमम डायमेंशंस याद हो जाएं उतना अच्छा, उसके लिए जितने फॉर्मूलाज याद हो जाएं उतना अच्छा। तो अभी तक के जितने मैंने कराए हैं उनमें सिर्फ एक ये था अगले पेज पे, ये वाला जो कभी नहीं सुना था तुमने, बाकी फिर भी कभी कभी कुछ सुने सुने सुनाई बातें थी। ठीक है, ये लिखिए, अब हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। आगे देखिए, क्वांटिटीज की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस, फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई कैसे कैसे करते हो विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशंस। पहला, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स। डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, जैसे कहीं लिखा हो पाई, 3 square, कुछ भी लिखा हो,
जो नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता और ये कॉन्स्टेंट है, इनकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। दूसरे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशन नहीं होती, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर एक मीडियम का अलग होता है ना, तो ये वेरिएबल है, हर एक के लिए सेम नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपका, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये किस कैटेगरी में आ जाते हैं, डायमेंशनलेस वेरिएबल। तीसरा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट्स जिनकी डायमेंशन हो, जैसे कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है ना, कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो डायमेंशन भी है इसकी और वैल्यू फिक्स है, तो ये क्या हो गया, डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। दूसरा लास्ट डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल कौन कौन से हो गए, बाकी सब फोर्स, पावर, एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा, ये सब कौन से हो गए, डायमेंशनल वेरिएबल। तो चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, ऐसी कॉन्स्टेंट्स जिनका डायमेंशन नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, जैसे 1, 2, 3, pi, ये सब नंबर्स हैं, इनका कोई कोई यूनिट नहीं है, तो ये डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट। डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स, ऐसे कॉन्स्टेंट जिनकी डायमेंशन होती है, जैसे अभी आपको एक पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। और डायमेंशनल वेरिएबल, बाकी सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायमेंशन होती है, वैल्यूज जिनकी कुछ भी हो सकती है। इसको यूज कैसे करते हैं डायमेंशन को, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन 1। डायमेंशन की पहली एप्लीकेशन, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये इसका नाम है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। लिखना नहीं, समझो ध्यान से, आसान है बहुत। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आपने किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, पहली एप्लीकेशन। ये क्या एप्लीकेशन है, ध्यान देंगे सब। सपोज करो, इस पहले एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका कुछ यूनिट है, जैसे आपने लिखा 5 meter, आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, तो आप उसे क्या लिख सकते हो, 5 meter को 500 centimeter, ऐसे ही लिखते हो ना। तो जब आप यूनिट चेंज करते हो तो वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आप बड़ा यूनिट लेते हो तो वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटा यूनिट लेते हो तो वैल्यू बड़ी हो जाती है। इसको हम कैसे लिखते हैं, N1 U1 is N2 U2। N1 एंड N2 मतलब मैग्नीट्यूड्स या वैल्यूज, N1 इज ओल्ड वैल्यू, U1 is old unit, N2 is new value, U2 is new unit। तो जब आप कन्वर्जन करोगे तो N2 को क्या लिखोगे, N1 into U1 upon U2। So new value is old value into old unit divided by new unit। Mathematically, N2 is equal to N1, M1 upon M2 की power A, L1 upon L2 की power B, T1 upon T2 की power C। इसमें किस term का क्या मतलब है, A, B, C हो जाएंगे dimensions, mass length time के, M1, L1 और T1
ये हो जाएंगे ओल्ड यूनिट्स, एम टू एल टू टी टू हो जाएंगे न्यू यूनिट्स, एन वन हो जाएगा ओल्ड वैल्यू और एन टू हो जाएगा न्यू वैल्यू. देखो एन टू न्यू वैल्यू इज ओल्ड वैल्यू, ओल्ड यूनिट अपॉन न्यू यूनिट. सो ओल्ड यूनिट न्यूमरेटर में आएगा, न्यू यूनिट डिनोमिनेटर में आएगा. कैसे क्वेश्चन में समझो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. सपोज मैंने बोला कन्वर्ट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इनटू डाइम्स. मैंने बोला कन्वर्ट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इनटू डाइम्स. अब ये जो न्यूटन होता है ये कौन होता है? ये होता है SI यूनिट ऑफ फोर्स. डाइम क्या होता है? CGS यूनिट ऑफ फोर्स. तो आपको बेसिकली क्वेश्चन में बोला न्यूटन को आपको किस में कन्वर्ट करना है? डाइम्स में. तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप आप क्वांटिटी की बात करते हो, यहां हम बात कर रहे हैं फोर्स की. इसके डायमेंशंस लिखो. फोर्स के डायमेंशंस क्या होते हैं? एम वन एल वन टी माइनस टू. मास की जो पावर है, जरा इस पे देखो, मास की पावर क्या है? मास की पावर क्या है? ए. लेंथ की पावर क्या है? बी. टाइम की पावर क्या है? सी. तो इस क्वेश्चन में ए हो गया 1, बी हो गया 1, सी हो गया माइनस 2. फिर लिखो ओल्ड यूनिट्स और न्यू यूनिट्स. ओल्ड कौन से होते हैं? एम वन एल वन टी वन. न्यू कौन से होते हैं? एम टू एल टू टी टू. ओल्ड यूनिट कौन सा है? आपको कहां से कन्वर्ट करना है? SI में. ओल्ड यूनिट्स हैं SI यूनिट्स. न्यू यूनिट्स कौन से? CGS यूनिट. सो SI यूनिट्स में मास के लिए क्या यूज होता है? किलोग्राम. लेंथ के लिए मीटर. टाइम के लिए सेकेंड. न्यू यूनिट्स में मास के लिए क्या यूज होता है? ग्राम्स. लेंथ के लिए सेंटीमीटर. टाइम के लिए सेकेंड्स. ओल्ड वैल्यू आपको पता है 5 न्यूटन. न्यू वैल्यू आपको नहीं पता. पहले ये डाटा का बाइफर्केशन समझ में आता है. हमें क्या कन्वर्ट करना है? 5 न्यूटन को डाइम्स में कन्वर्ट करना है. 5 न्यूटन. तो ओल्ड वैल्यू क्या हो गई? 5. बेसिकली आपको क्या करना है कि 5 न्यूटन इज हाउ मेनी डाइम्स. यही करना है ना. सो ओल्ड वैल्यू पता है, न्यू वैल्यू निकालनी है. ओल्ड यूनिट पता है, न्यू यूनिट पता है. सो ओल्ड वाले कौन से होते हैं? 111. न्यू वाले कौन से होते हैं? 222. मास की पावर जो होगी वो ए, लेंथ की पावर बी, टाइम की पावर सी. अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला क्या बताया? एन टू इज इक्वल टू एन वन, एम वन अपॉन एम टू की पावर ए, एल वन अपॉन एल टू की पावर बी, टी वन अपॉन टी टू की पावर सी. वैल्यू डालो. एन वन कितना नंबर? एन वन कितना है? 5. तो आपको 5 को कन्वर्ट करना है. एम वन कितना है? किलोग्राम. एम टू कितना है? ग्राम. सो किलोग्राम ग्राम. पावर ए, ए कितना है? 1. एल वन अपॉन एल टू, मीटर अपॉन सेंटीमीटर. पावर कितनी? 1. टाइम सेकेंड अपॉन सेकेंड. पावर कितनी? माइनस 2. इजंट इट? तो कितना आया? केजी को क्या लिख सकते हो? 1000 ग्राम्स. ग्राम ग्राम कट जाएगा. मीटर को 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा. ये तो पहले ही कट गया बेचारा. तो 5 इंटू 1000 इंटू 100 रिजल्ट आया 5 इंटू 10 टू पावर 5. तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 5 न्यूटन इज 5 इंटू 10 टू द पावर 5 डाइम्स. क्या हुआ ये? ये हुआ एन वन यू वन एन टू यू टू. समझ में आया? मुश्किल तो नहीं लगा? डायमेंशन याद हो तो फुद्दू क्वेश्चन है. क्या करना है? दोबारा लॉजिक सुनो. मैंने क्या बोला? आपको एक सिस्टम में एक सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करना है. सो ओल्ड वैल्यू इंटू ओल्ड यूनिट ओवरऑल वैल्यू हो गई इज न्यू वैल्यू इंटू न्यू यूनिट. सो न्यू वैल्यू क्या होगी? ओल्ड वैल्यू ओल्ड यूनिट डिवाइडेड बाय न्यू यूनिट. यूनिट्स को मास लेंथ टाइम की फॉर्म में लिखते हैं.
तो M1 L1 T1, M2 L2 T2, ठीक है, पावर क्या हुआ ABC, नाउ वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करनी है, 5 न्यूटन को आपको डाइन्स में कन्वर्ट करना है, तो ओल्ड वैल्यू कितनी हुई 5 न्यूटन, ओल्ड यूनिट क्या हुआ SI यूनिट, न्यू यूनिट क्या हुआ CGS यूनिट, सो ओल्ड सिस्टम में मास लेंथ टाइम के लिए kg मीटर सेकंड, न्यू में मास लेंथ टाइम के लिए ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, ओल्ड वैल्यू आपको पता है, न्यू वैल्यू आपको निकालना है, फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर बेटे सबको, ऑनलाइन सबको क्लियर, ठीक है, इतना लिखो बेटा पहले फिर आगे चलेंगे। होमवर्क सुन लीजिए, आज आपको करना क्या है, जितना आज मैंने आपको कराया प्लस लास्ट क्लास में जितना था, आज एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं, अभी इसके कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैं और करूंगा, फिर तुम्हें होमवर्क दूंगा करने के लिए। आज आपको घर पे क्या करना है, डायमेंशंस लिख लिख के याद करनी है, जितनी मैक्सिमम कर पाओ, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक ही दिन में आपको सारी याद हो जाए, जब आप क्वेश्चंस करोगे तब वो जल्दी जल्दी याद होंगी, बट पहले फॉर्मूला लिखो, खुद निकालने की कोशिश करो डायमेंशंस, जितने बार लिखोगे उतनी बार उतना अच्छा याद होगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।